जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन, और इस वक्त हम जिनसे बातचीत करेंगे उनको महाराजा मदरा मुंडा सेवा सम्मान से नवाजा जा चुका है अपने बेहतर पंचायती राज का कार्य और सामाजिक कार्य को लेकर के। और पूर्व में वो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके हैं, और इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें पंचायत समिति सदस्य भी उन्होंने जीता, और साथ ही इस बार प्रमुख से भी निर्वाचित हुए हैं। का नाम है सोमनाथ मुंडा। हम उनसे बातचीत करते हैं और जाने समझने की कोशिश करते हैं कि अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में किस तरह से वो काम करेंगे। तो सोमनाथ जी, सबसे पहले तो आपका लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही जोहार। जोहार है। तो सोमनाथ जी, आप पूर्व में मुखिया, प्रधान, मतलब पंचायती राज को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, इसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है, और एक बार फिर से आपको जनता मौका दी है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हम तो अच्छा ही लग रहा है, चूँकि इतने बड़े पद पर आसीन किया है जनता ने, तो निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, चूँकि इससे पहले भी जनता का आशीर्वाद लगातार हम पर बना रहा है। पहले ग्राम प्रधान थे, अभी मुखिया रहे, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद में पंचायत समिति लड़े, पंचायत समिति में भी लोगों का अपार जन समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, और अभी प्रमुख का जो दावेदारी किए, प्रमुख का दावेदारी में भी माननीय पंचायत समिति सदस्य पूरे कांकेवासियों को दिल से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपार आशीर्वाद दिया है, मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं। सोमनाथ जी, प्रधान से प्रमुख तक का सफ़र का जो चुनौती, वो किस तरह रहा है? देखिए, चुनौती तो रहा ही है, लोगों का मान के चलिए जब जिम्मेवारी मिलती है तो चुनौती मिलता ही है, और लोगों का अगर आप जिम्मेवारी जो मिला है तो लोगों को 24 घंटा सेवा करना है, सेवा देना है, अगर निरंतर आप सेवा देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद जनता का बना रहता है, और उसी का देन है कि आज हम जहां पर पहुंचे हैं, गरीब मजदूर का बेटा को लोगों ने भरोसा करके आज प्रखंड के उच्च कुर्सी पर बैठाया है, तो हम कहीं ना कहीं ये सारा श्रेय जनता को जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले ही पूछा और आपने भी बताया कि पंचायती राज को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो पहले जो आप काम किए हैं, एक बार फिर आपको जनता उसी प्यार और स्नेह से फिर से आपको पद दिया है, तो इस बार किस तरीके से कुछ अलग, क्या कुछ आप काम करेंगे? देखिए, जो भी मान के चलिए अभी आशीर्वाद दिया है जनता ने, माननीय पंचायत समिति सदस्यों ने जो आशीर्वाद दिया है, हम जब भी काम किए हैं जनता के नीडी के अनुरूप, जो उनका ज़रूरत है उसी के हिसाब से हमने काम किया है, और निश्चित रूप से बड़े ओहदे पर इस बार बैठाया है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर पर, सारे लोगों से तालमेल बना के एक प्रखंड को कैसे बेहतर बना सकें, और लोग जो दूर दराज से गरीब गुरबे लोग प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं अपना काम कराने के लिए और खाली हाथ वापस चले जाते हैं, हमारा प्रयास रहेगा लोगों का काम प्रखंड मुख्यालय में निश्चित रूप से कराने का, और कोई भी जनता खाली हाथ वहां से वापस नहीं जाएगी, ये हमारा कोशिश होगा, और जो भी जनता का जरूरत है उसको हमने पूरा करना। जैसे कि आप बोले कि प्रखंड स्तर पे अगर किसी गरीब तबके के लोग जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी कागजी मतलब उनको बनवाना होता है, तो वहाँ पे वसूल नहीं जाता है, कांके प्रखंड को कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा उजागर होते आया कि भ्रष्टाचार के मामले वहाँ पे प्रखंड पे हफ्ता वसूली एक तरह से होता आ रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे मतलब ठीक करेंगे? देखिए, इस तरह का बातें जब हम अभी तो चूँकि ऑफिस आवंटन नहीं हो पाया है, ऑफिस आवंटन होगा, बैठेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि इस तरह का जो भी मामले आएंगे वो मामला को पूर्ण रूप से ख़त्म करने का, और लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने का, और इस तरह का जो भी अगर प्रखंड स्तर पर मामला आता है तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हम लोग करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर प्रखंड, आदर्श प्रखंड बनाने का जिम्मेवारी मुझ पर है, तो ये मुझ पर नहीं, पूरे कांके वासियों का सहयोग से और पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके सहयोग से आदर्श प्रखंड बन पाएगा, और इस पर ही हम लोग निरंतर काम करेंगे।
तो जैसे कि जब प्रमुख का जब चुनाव चल रहा था प्रखंड में, तो जिस तरह से जनसैलाब था आपके प्रति, जो लोगों का प्यार स्नेह जो जनसैलाब उमड़ा था, वो देख कर के आप भावुक भी हो गए थे, और ये प्यार ये स्नेह कैसे लोगों में है? देखिए, जो जनता का अपार समर्थन मिलता है, लोग दूर दूर से आए थे, पूरे प्रखंड से आए थे, लोगों का उम्मीद था कि मेरा भाई आज चुनाव लड़ रहा है। उस चुनाव का परिणाम देखने के लिए लोग आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। ये प्यार ही, उन लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है, और निश्चित रूप से हम तमाम कांकेवासियों को दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपार समर्थन देके हमको उस जगह पर ले गया है। और भावुकता होती है, चूँकि खुशी का भी आंसू छलकते हैं, उस दिन भी हुआ तो कहीं ना कहीं भीड़ देखने के बाद लगा कि इतने लोग हमारे समर्थन में यहाँ पर जुटे हुए हैं, जब हम चुनाव जीत के निकले तो देखे तो अजीब फील हुआ। तो निश्चित रूप से हम लोग का मनोबल भी बढ़ता है, लेकिन खुशी के आंसू भी निकलते हैं। 2 दशक का पंचायती राज रहा, उसमें आपने बहुत ही अच्छा काम भी किया है, और जब भी लोगों को ज़रूरत होती है आप हमेशा खड़े होते हैं, चाहे वो रात के 12 बज रहे हो या फिर कभी भी। तो ये जो आपको हिम्मत और ऊर्जा आपको कहाँ से मिलता है कि नहीं हमको जो है लोगों का सेवा करना है, और एक बार फिर आपको जनता जनादेश दी है, तो ये ताकत प्रेरणा कहाँ से मिलता है आपको? हमको बनाया ही गया है, हम तो जनता का नौकर हैं, जनता के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और किसी भी टाइम अगर जनता को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो निसंकोच हमें याद करती है, चाहे 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, या 2 बजे रात हो, या दिन के किसी भी टाइम हो, बिना खाए पिए हम लोगों का सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। और ये जब हम लोगों का सेवा करते हैं, किसी का काम कर देते हैं, तो जब आशीर्वाद देता है तो दिल से सुकून मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। हमको लगता है उन्हीं लोगों का देन है और उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि आज एक गरीब मजदूर का बेटा वहाँ तक पहुँचा है। गांव की जो समस्या रहती है अभी भी बहुत ऐसी, मतलब ऐसे आपके क्षेत्र में बोले प्रखंड में इतने पंचायत हैं कि वहाँ पे अभी भी गरीबों को ना तो घर मिल पाया, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की, तो इस पर, और अगर शिक्षा की हम बात करें तो बहुत ही लचर व्यवस्था है, तो उस सब में आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जनता की ज़रूरतें आकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा है, और जिस उद्देश्य के साथ मुझे उस जगह पर बैठाया गया है, मैं चीज़ों को करीब से देखा हूँ, क्योंकि प्रखंड स्तर पर आज जो भी चीज़ें होती है, चाहे राज्य सरकार का योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, तो हम चीज़ों को करीब से हम देखे हैं, इसलिए हम अब जो भी व्यवस्था है, व्यवस्था संसाधन के अनुसार या व्यवस्था जो भी है उसके हट के भी हम लोग प्रयास करेंगे लोगों का सेवा करने का, और जो भी ज़रूरत है, मान के चलिए सड़क बिजली पानी की जो भी मूलभूत सुविधाएँ, हम लोग प्रयास करेंगे विभिन्न विभागों से कि उनको, मतलब उनका जरूरत को पूरा करने। आप खुद भी युवा है, और अभी जो समस्या है युवाओं की, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, तो उन युवाओं को किससे, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे अपने प्रखंड स्तर पर ट्रेनिंग दे के लोगों को, युवा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि नौकरी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्वरोजगार देने के लिए हम लोग ट्रेनिंग का व्यवस्था करेंगे, और ट्रेनिंग दिलाकर हम लोग प्रयास करेंगे इनको कहीं पर अपना ट्रेनिंग लेके खुद से अपना बिजनेस चालू करें, या तो कहीं पर अपना नौकरी करें, इस तरह का व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो सोमनाथ जी, आखिरी सवाल मेरा कि आप खुद भी आदिवासी हैं, और अगर कांके प्रखंड में हम देखें तो जमीन विवादित का जो मामला है सबसे ज़्यादा आता है, और अधिकारियों पर इसके मतलब भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आए हैं, और ज़्यादातर जो जमीन विवादित मामला होता है वो आदिवासियों का ही रहता है, तो इस पर आप किस तरीके से काम करेंगे कि जो मामला, जो भ्रष्टाचार जमीन विवाद को लेकर के, वो कम हो? देखिए, जो भी मामला जमीन से संबंधित मामला इस तरह का, अभी तक हम भी देखे हैं कि कांके में इस तरह का मामला बहुत ज़्यादा रहा है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इस तरह का मामला होंगे या इस तरह का कहीं पर भ्रष्टाचार होंगे तो उस पर अंकुश लगेगा, निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। इस पर हम मंचलाधिकारी से बात करके उस तरह का अगर मामले आते हैं तो किसी भी तरह से उस तरह का मामला को हस्तक्षेप नहीं करें, और
जो सही है सबके साथ न्याय होगा वही हम लोग प्रयास करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ मुंडा जी। तो इस वक्त तो हमारे साथ सोमनाथ मुंडा जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका यही कहना है कि अपने प्रखंड और पंचायत को एक आदर्श पंचायत और प्रखंड भी बनाएंगे और साथ ही जिस तरह से ये लोगों के बीच रहकर समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं वो हमेशा आगे भी करेंगे और लोगों को सेवा देकर इनको एक अलग प्रेरणा मिलती है और काम करने का ऊर्जा भी मिलता है। ऐसे ही जनप्रतिनिधि प्रत्याशियों और जीते हुए प्रत्याशियों से हम बातचीत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।